अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेहान अली और आप देख रहे हैं हिस्टोरियम। रोज़ की तरह मैं आज भी आप लोगों की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुलिच उस्मान का एपिसोड नंबर 83 बहुत ही शानदार किस्त रहा, जहाँ उस्मान बे ने निकोला और रोगा तो उसके साथ भी इतिहाद कर लिया। नाज़रीन, उस्मान बे की बहादुरी से तो हम पहले ही वाकिफ थे, लेकिन एपिसोड नंबर 83 में जब उस्मान बे शहनशाह से मिलने गया तो वहाँ पर भी उस्मान बे ने साबित कर दिया कि मुसलमान किसी से नहीं डरते। उस्मान बे के पास अब ना ही सरदारी है और ना ही कबीला, फिर भी उस्मान बे ने रोगा तो उससे कहा कि वो उसका किला वापस दिलवाएगा, और रोगातोस ने भी आंखें बंद करके उस्मान बे पर भरोसा कर लिया, जिससे साबित होता है कि रोगातोस निकोला से भी ज्यादा उस्मान बे पर भरोसा करता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमें ये भी मालूम हुआ कि शेख अदीब अली की बेटी और उसके दामाद आ रहे हैं, जो कि शायकिनों के लिए एक और मगर बड़ी खुशखबरी है। तो नाज़रीन, इसी चीज पर मद्देनजर रखते हुए हमने आज का ये वीडियो बनाया। हम बात करेंगे कि शेख अदीब अली की बेटी और उसके दामाद की एंट्री कब और कैसे मुमकिन हो सकती है, अब किस किरदार की रुखसती गुलिच उस्मान के तीसरे सीजन से होने जा रही है। इसके साथ साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि क्या निकोला रोगा तो उसको मार देगा। ये और इस जैसी मजीद मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल हिस्टोरियम को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, बात करेंगे शेख अदीब अली की बेटी और उसके दामाद के बारे में कि उनकी एंट्री कब और कैसे मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन, इनकी एंट्री तभी मुमकिन हो सकती है जब कुरलिश उस्मान की टीम कुरलिश उस्मान से किसी किरदार को निकाल दे। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब कुरलिश उस्मान की टीम कुरलिश उस्मान से किसे निकालने वाला है, तो आपको बताते चलें कि वो किरदार मारी और उसकी खादिमा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड में जब मारी ने दुर्गुद बे को बताया कि वो माँ बनने वाली है, तो दुर्गुद बे कहने लगे कि मारी और उसके बच्चे की जान खतरे में है, क्योंकि मंगोलों और तुर्कों के दरमियान जंग छिड़ गया है। इसी वजह से दुर्गुद बे डर रहे हैं कि यहाँ मारी को कुछ हो न जाए। नाज़रीन, मेरे ख्याल से दुर्गुद बे कोशिश और उस्मान बे से मशवरा करने के बाद मारी को कहीं दूर भेजेगा, या फिर कोशिश खुद अपनी बहन मारी को किसी महफूज जगह भेजेगा। इनके जाने के बाद शेख अदीब अली की बेटी और उसके दामाद की एंट्री मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन, बात करेंगे रोगा तो उसके बारे में कि क्या निकोला उसे मार देगा या नहीं। नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि सीरीज में अभी तक किसी बड़े विलन को रुख्सत नहीं किया गया, ये सही मौका है रोगा तो उसको इस सीरीज से रुख्सत करने का। इसके बाद एक और बड़े विलन की एंट्री भी होनी चाहिए। नाज़रीन, विलन ही हैं जो फिल्म या ड्रामा सीरीज को धमाकेदार बनाते हैं। दिरड़ अर्तुगरुल का विलन यानी नोयान, जिसके चाहने वाले अर्तुगरुल गाजी की तरह बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल से मंगोल ही इस ड्रामा सीरीज को और भी मजेदार बनाते हैं, और आपको इस बारे में क्या लगता है। नाज़रीन, जाते जाते हम एक सवाल आपके लिए भी छोड़कर जा रहे हैं, आप हमें बताएं कि कुरलिश उस्मान के तीसरे सीजन से रोगा तो उसको रुख्सत कर देना चाहिए या नहीं। अपना कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हर रोज ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरियम को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।